नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक फेसबुक लाइव के विषय में। विषय आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा विषय पे और वक्ता के विषय में आपको बतलाने के लिए यह सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली चीज, वक्ता का नाम है डॉक्टर सुनीता, ओनली सुनीता, क्योंकि सरनेम और बैकग्राउंड से बहुत कुछ लोग परिभाषित कर लेते हैं, लेकिन लेखा के विषय में उनकी अपनी ही एक अलग पहचान है। घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत कर रही हैं कई दशकों से। चित्रकारा हैं, लेखिका हैं, आलोचक हैं और लगभग भारत में 4,000 गांव का अभी तक भ्रमण कर चुकी हैं। और साथ ही साथ चित्रकारी भी ऐसी नहीं करती हैं, मधुबनी प्रकार की जैसे चित्रकारी को कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शैलियों के कई प्रकार होते हैं, रंगों के कई प्रकार होते हैं, साहित्य की विधाओं के कई प्रकार होते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हिंदी में बहुत बड़ा नाम है नागार्जुन और शमशेर, शमशेर के विषय में कहा जाता है कि पहले वो बिंबों को गढ़ते हैं, यानी कि पहले चित्र बनाते हैं, चित्रकारी के ऊपर कविता करते हैं, यानी कि पहले चित्र बनाते हैं फिर कविता लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ डॉक्टर सुनीता जी के विषय में है। और साथ ही साथ मैथिली और मधुबनी, ये दोनों ही चित्रकारी के प्रकार हैं। मैथिली और मधुबनी इस प्रकार की चित्रकारी करती हैं और बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों की कविताओं के लिए मैडम ने चित्रकारी की है, चाहे जयशंकर प्रसाद रहे हों या मैथिली शरण गुप्त रहे हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। कमायनी को लेकर भी मैम ने कई चित्रकारी की हैं और उस पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी की हैं। तो ये तो था मैडम का छोटा सा परिचय। एक और विषय कि हिंदी की दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में आए दिन इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं, चाहे आजकल हो या विश्वगाथा हो। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स और भारतीय जागरण और भारतीय टाइम्स, इन पत्र पत्रिकाओं में भी लेखिका के लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अब मैं लेखक के विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कहूँगा आपको लगेगा मैं बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेन है, ये लाइव होने वाला है हिंदी की एक विधा पर जिसका नाम है कहानी। और जब बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड में कहानी की और उसके अंदर वुमेन्स राइटिंग की, तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि समकालीन वैश्विक परिदृश्य में या समकालीन परिदृश्य में हिंदी कहानी और स्त्री लेखन कहाँ स्थान रखता है या किन परिस्थितियों से गुजर रहा है हिंदी लेखन और खासकर हिंदी कहानी। क्योंकि आधुनिक समय में, या मैं बात कहूं कि 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में महिला कहानीकारों की आप एक कड़ी सी देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे चित्रा मृदुगल हो या मृदुला सिन्हा हो या सुनीता जी हो या अल्पना मिश्र हो, डॉक्टर रमा मैम हो या कई ऐसे दर्जनों नाम हो। तो ऐसा क्या है इस दौर में जिसे समकालीन वैश्विक परिदृश्य कहते हैं, इस दौर में महिला कहानीकारा किस स्थान पर है और क्या उनका स्थान है इस वर्तमान दौर में कहानी के संदर्भ में, इसकी हम जांच पड़ताल के उद्देश्य से इस फेसबुक लाइव की सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ जब मैं बात करता हूं कि मैम ने 4,000 गांवों का भ्रमण किया है, तो इस बात को समझिए, इस दौर में जहां महामारी का दौर है, लोग अपने घरों तक या अपने ऑफिस तक ही सीमित हैं, एक ऐसी लेखिका जो समाज में बीच रहकर समाज सेवा का कार्य भी करती है, अपनी लेखन हेतु सामग्री का चयन भी करती है और लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द में शामिल भी होती है, ऐसी ही लेखिका को आपको जन मंथन का फेसबुक पेज आयोजित करने जा रहा है, फेसबुक लाइव, जिसके लिए आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, आप डायरेक्ट सुन सकते हैं। और एक बेनिफिट आपका यह होगा कि आप एक ऐसी लेखिका से परिचित होंगे जो कई भाषाओं में लेखन करती हैं। जी हाँ, कई भाषाओं में लेखन करती हैं, कई लोक भाषाओं में लेखन करती हैं। और हिंदी कहानी का परिदृश्य ग्रामीण परिक्षेत्रों में किस सीमा तक है, इसकी झलक आपको डॉक्टर सुनीता के लेखन और उनके संवाद से आपको प्राप्त होगी, यदि उनके लेखों को पढ़ेंगे और उनकी पुस्तकों में कहानियों का अध्ययन करेंगे। तो यह सूचना आपको मैंने दी डॉक्टर सुनीता जी के विषय में, चित्रकार और युवा आलोचक और हिंदी की लेखिका, और उनका विषय जिस पर ये संवाद करेंगी। और इस संवाद में आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, कुछ जिज्ञासा हो वह भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फ़ोन नंबर और फेसबुक का लिंक दिया है,
यदि कोई समस्या होती है तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, यदि ज्वाइन पे कोई समस्या होती है तो कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं। ज्वाइनिंग के दौरान अर्थात 29 जून को शाम 7 बजे होगा ये फेसबुक लाइव। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आपको इंटरनेट की समस्या रहती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई समस्या आती है, अड़चन आती है, तो दिए गए फ़ोन नंबर पर या मुझसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आपकी समस्या का होगा समाधान। और इस फेसबुक लाइव में जनधन जनमंथन के फेसबुक पेज से आयोजित हो रहा है, आप सभी हो शामिल। और सूचना यदि शेयर करेंगे तो जो लोग कहानी लिखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कहानी के उस संवेदना के भाव पक्ष से जो कविता से इतर है, कहानी का भाव पक्ष याद रखिएगा, कविता का भाव पक्ष होता है व्यंजनात्मक रूप में होता है, और कहानी का जो भाव पक्ष होता है वो यथार्थ को लेकर चलता है। जो लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं या जो लिटरेचर पढ़ते हैं, वह लोग मेरे इन दोनों शब्दों से परिचित होंगे। यथार्थ का भाव पक्ष क्या होता है और व्यंजना रूपी भाव पक्ष क्या होता है, कभी विषय भविष्य में इस पे चर्चा करेंगे। जब साहित्य पे और साहित्यिक रचनाओं पे मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा, भी मैं साहित्य को पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं साहित्यिक रचनाओं को ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए कहानी के इस भाव पक्ष को आप समझें, और स्त्री की दृष्टि से आप यदि पुरुष हैं तो उस भाव पक्ष को समझें, क्योंकि जब 1936 में त्यागपत्र रूपी रचना आई थी, तब ये सच्चिदानंद हीरानंद भाग्य ने कहा था कि यदि वह उनका कोई जन्म होता या पुनर्जन्म होता, स्त्री का जन्म होता, तो वह गोदान और त्यागपत्र जैसी रचना पुनः लिखते। तो इसीलिए एक पुरुष होने के नाते आप इसको समझिए कि स्त्री का दृष्टिकोण इस कहानी के पक्ष में क्या क्या समझता है, क्या सोचता है, क्या लिखता है। और यदि आप महिला हैं तो आपका लेखन अन्य महिला लेखिकाओं से किस प्रकार से भिन्न है या समानांतर है, उस चीज़ को समझने और समझाने के उद्देश्य से भी यह फेसबुक लाइव आपके लिए बहुत रहस्यास्पद होने वाला है। ये कबीर के रहस्यवाद की बात नहीं करेगा, तुलसी के समन्वयवाद की बात नहीं करेगा, और साथ ही साथ ये कोरोचे के अभिव्यंजनावाद की भी आलोचना नहीं करेगा। यह बात करेगा कि समकालीन परिदृश्य में हिंदी कहानी और स्त्री लेखन क्या है, कहाँ स्थान रखता है, क्या उसकी स्थितियां हैं, और किस प्रकार की परिस्थितियों में महिला महिला लेखन या महिला स्त्री लेखन कर रही है। क्योंकि महिला लेखन और स्त्री लेखन ये दो टर्म हैं, दो शब्दावली हैं, दोनों में भिन्नता का अंतर है। क्या अंतर है ये विद्वान लोग आपको बताएंगे, मैं खाली संकेतक बता रहा हूँ। जिस प्रकार युवक आलोचक और एक युवा आलोचक में फ़र्क होता है, एक अपने अनुभव से गुण आलोचक बन जाता है, और मैम के विषय में कहूँगा कि गुण आलोचक हैं। शक्ल देख कर एज पर मत जाइएगा, मैम का अनुभव बहुत ज़्यादा है, कई दशकों का साहित्य का और भारतीयता को समझने का अनुभव है। तो इस फेसबुक लाइव में हो शामिल, कुछ सवाल हो तो करें मैम से, कुछ सवाल जिज्ञासा मुझसे हो तो मुझसे भी कर सकते हैं। एक सूचना, कुछ दिनों के बाद जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। जुलाई के महीने में अपने नाम का चैनल का नाम मैं परिवर्तित करने वाला हूँ, और मेरा चैनल या वीडियो आपको कम मिलेंगे, या क्योंकि तकनीक का बहुत ज़्यादा अभाव है, फ़ोन कभी भी ख़राब हो जाता है और इंटरनेट की बहुत कमी है। तो जहाँ आपको एक दिन में 4 से 5 वीडियो मिलते, तो हो सकता है अब आपको 7 दिन में 7 से 10 वीडियो ही मिलें, क्योंकि बहुत तकनीक का अभाव है, डेटा नहीं मिलता है, और चैनल का नाम भी बदलूँगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको यदि मेरी सूचनाएँ अच्छी लगती हैं तो चैनल पर आइएगा, मेरे विचार लॉजिकल तार्किक लगते हों तो चैनल पर आइएगा, और इसको शेयर कीजिएगा, और इस फेसबुक लाइव में हो शामिल। भविष्य की अगली वीडियो आपको पुनः मिलेगी, अगली वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।